हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बेल्ट वाली कुर्ती बनाएंगे अम्ब्रेला स्टाइल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है, 1 मीटर लाइनिंग ली है और 7 मीटर लिया है जॉर्जेट फैब्रिक। सबसे पहले चोली की कटिंग करेंगे लाइनिंग वाली फैब्रिक में। 4 फोल्ड करके इस कपड़े को रख लेंगे और ऊपर की साइड से 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर इस निशान के ऊपर से ही तीरा का निशान लगा लेंगे। तीरा लेंगे हम 6.5 इंच। फिर लेंगे आर्म होल की लंबाई लेंगे 7 इंच और यहाँ से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी लाइन को सीधा करेंगे। इस लाइन के ऊपर लगाना है फिटिंग का निशान। जितना भी आपका फिटिंग का साइज है उसमें 2 इंच प्लस करके निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमारी फिटिंग का साइज है 11 इंच और मैंने निशान लगाया है 13 इंच पे। तो देखिए, यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे लंबाई के निशान। चोली की लंबाई रखेंगे 16 इंच और यहाँ से फिटिंग का जो निशान लगाएंगे हम 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। 2 इंच तो मार्जिन वाला और 1 इंच स्टार्ट डालने के लिए ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नीचे से 3 इंच एक्स्ट्रा लेके निशान लगाया है। फिर इस लाइन को मिला लेंगे। अब डालेंगे आर्म होल की सेप। देखिए, इस तरीके से डालनी है। सभी कुर्ती में इस तरीके से डालते हैं। हाफ पे निशान लगाएंगे आर्म होल के हाफ साइज पे और 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे सेप डालने के लिए और यहाँ से सेप डाल लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से ही सेप डालनी है सभी कुर्ती में। चाहे कैसी भी कुर्ती हो, सेप आर्म होल की इसी तरीके से डालनी है और फिर हल्का सा अंदर की साइड लेते हुए फ्रंट आर्म होल की सेप डाल लेंगे। अब ऊपर की साइड से 1/2 इंच का डाउन देंगे कुर्ती को। ये सभी नॉर्मल नेक में देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप नेक बना रहे हो तो उसमें ये डाउन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल नेक रख रहे हो तो 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन देंगे यहाँ से। अब लगाएंगे नेक का निशान। तो नेक की लंबाई रखेंगे 7 इंच, चौड़ाई लेंगे 3 इंच, ऊपर से भी 3 इंच लेके बॉक्स रेडी कर लेंगे। अम्ब्रेला कुर्ती बनाने के लिए फिटिंग की साइड से 1 इंच यहाँ पे निशान लगा के और हल्की से सेप डाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पे डार्ट के लिए निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। डार्ट की लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। साइडों से 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे डार्ट के लिए। ये डार्ट हमें बैक एंड फ्रंट दोनों साइडों में डालनी है और 1 इंच मैंने पहले ही एक्स्ट्रा ले लिया था, जैसा कि मैंने बताया था फिटिंग में, वो डार्ट डालने के लिए लिया था। डार्ट डालेंगे जब 1 इंच कम हो जाएगा फिटिंग से। अब हम ऊपर की साइड से कटिंग करेंगे बैक साइड के आर्म होल की। बैक पार्ट की लंबाई 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे फ्रंट पार्ट से, इसीलिए हमने ऊपर से तीरा को 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है। अब नीचे से डार्ट के लिए यहाँ पे कट लगा लेंगे ताकि चारों कपड़ों में हमारा निशान आ जाए। अब करेंगे फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग। तो फ्रंट तीरा को हम 1/2 इंच कट कर लेंगे यहाँ से और फिर फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब लगाएंगे नेक के लिए निशान। तो पहले यहाँ से छोटा सा कट डाल लेंगे। ये कट इसलिए डाला है ताकि बैक साइड में भी नेक का निशान लग जाए। अब लगा लेंगे फ्रंट नेक का निशान। तो जो ये हमने 1/2 इंच ऊपर की साइड कट लगाया है, इसको हम छोड़ेंगे। ये सिलाई में चला जाएगा, शोल्डर की सिलाई में, और यहाँ से तिरछा लेते हुए 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। वी शेप नेक है इसलिए 8.5 इंच पे लिया है। नॉर्मल नेक हम लेते हैं 7 इंच पे। वी शेप नेक थोड़ा डीप ही अच्छा लगता है। तो चलिए नेक की कटिंग कर लेते हैं। अभी हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे बस। तो ये हो गई फ्रंट नेक की कटिंग। अब बैक नेक के लिए निशान लगा लेंगे। फ्रंट साइड को यहाँ से हटा देंगे। बैक नेक की लंबाई लेंगे 6.5 इंच, चौड़ाई रखेंगे 3 इंच, पहले यहाँ पे हम बॉक्स रेडी करेंगे, उसके बाद राउंड शेप डाल लेंगे। अब यहाँ से बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। अपर पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम मेन फैब्रिक में कट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मेन फैब्रिक को रखते हैं और पहले बैक साइड की कटिंग करेंगे। डबल फोल्ड करके मेन फैब्रिक को रख लिया है, इसके ऊपर बैक साइड वाले कपड़े को रखेंगे और इसी शेप में हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए कटिंग करके मैं फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने बैक साइड की कटिंग कम्प्लीट कर ली है। अब लेंगे फ्रंट साइड को। फ्रंट साइड के लिए हमने फ्यूज पेपर कट कर लिया है। पहले इसे प्रेस से सेट कर लेंगे नेक के ऊपर।
अब लेंगे मैन फैब्रिक और मैन फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बीच सेंटर में एक छोटा सा कट डालेंगे। तो देखिए छोटा सा कट लगा लेंगे बीच में, इसे ओपन करके रखेंगे और इसके ऊपर अब फ्रंट साइड वाली लाइनिंग को रख लेंगे। देखिए बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से रखना है नेक को, पिन से साइड कर लेंगे और उसके बाद लगानी है सिलाई। फ्रंट पार्ट की हम अभी कटिंग नहीं करेंगे, फ्रंट पार्ट में हम प्लेट्स डालेंगे नेक के ऊपर, तो इसलिए हमने ऐसे ही पहले नेक बना लेना है। नेक की सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, बीच में छोटा सा कट लगा लेंगे और उसके बाद जो हमने डार्ट के लिए निशान लगाया है उस पर डार्ट डालेंगे। तो चलिए पहले डार्ट डाल लेते हैं। डार्ट हमें अभी लाइनिंग वाली फैब्रिक में डालनी है, नीचे वाली फैब्रिक को ऐसे ही छोड़ के रखना है। तो चलिए दोनों डार्ट डाल के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने लाइनिंग वाली फैब्रिक में दोनों साइड में डार्ट डाल ली हैं। अब इस कपड़े को पलट के रखेंगे। पलटने के बाद नेक लाइन के ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे से लेते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक सिलाई और लगा ली है नेक लाइन के ऊपर। अब हम नेक को रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये जो मैन फैब्रिक है ये एक्स्ट्रा लिया है लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। लंबाई में आप देख सकते हो करीब 6 इंच लंबा लिया है चोली से। तो ये देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको कपड़े को नाप के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए 6 इंच लंबाई में ज़्यादा लिया है। और अब दिखाती हूँ चौड़ाई, तो नेक की यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और पूरा कपड़ा नाप लेंगे, 23.5 इंच लिया है, दोनों साइड में बिल्कुल बराबर है। अब डालेंगे इसमें प्लेट्स, तो उसके लिए सेंटर में पहले पिन से कपड़े को सेट कर लेंगे। बीच में से कपड़े को सेट करने के बाद अब हम प्लेट्स डालेंगे। तो ये देखिए किस तरीके से डालनी है, इस तरीके से कपड़े को पकड़ते हुए ऊपर नीचे से बिल्कुल बराबर साइज रखना प्लेट्स का, तो अच्छे से इस तरीके से सेट करते हुए प्लेट्स बनानी है। तो ये देखिए पहली प्लेट्स को हम नेक लाइन से टच करते हुए और नीचे की साइड सेंटर से टच करते हुए बना लेंगे और फिर दोनों साइडों से पिन लगा के सेट कर लेंगे। अब यहाँ से पिन लगा के सेट कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल नेक लाइन से टच करते हुए हमने प्लेट्स को बना लिया है और नीचे से भी पिन अप कर लिया है। अब दूसरी प्लेट बनाएंगे, इसी तरीके से 6-7 प्लेट बना लेंगे, जितना हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है उस सारे फैब्रिक की प्लेट्स बना लेंगे। फिर जितना हमारा फैब्रिक बचेगा नीचे की साइड उसको हम लाइनिंग वाले फैब्रिक के बिल्कुल बराबर बचाते हुए रखेंगे। इस तरीके से सारी प्लेट्स को बराबर साइज में लेते हुए बना लेना है। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दूसरी साइड में भी हम सेम इसी तरीके से प्लेट डालेंगे और दोनों साइड में बिल्कुल बराबर प्लेट रखनी है। अगर इधर की साइड 8 या 7 प्लेट्स हैं तो दूसरी साइड में भी हमें सेम उतने ही लेके रखने हैं। दोनों साइडों को कंप्लीट करके मैं फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है और जो हमारा कपड़ा बचा है वो हमारा ये देखिए इतना बचा है, इतना हमें कपड़ा बचा के रखना है जो हमारा पूरा लाइनिंग वाला कपड़ा है कवर हो जाए। अब हम इस कपड़े को भी अटैच कर लेंगे लाइनिंग वाले कपड़े के साथ, ऐसी आर्मोल की शेप में 2-3 पिन लगा के सेट कर लेंगे। अब दूसरी साइड से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए दोनों साइडों से कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरीके का नेक का लुक आया है। अब इन प्लेट्स को सेट करने के लिए इसके ऊपर हल्की हल्की प्रेस लगा लेनी है और इसके बाद सारी साइडों से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद सारी पिंस को हटा देना है। सिलाई भी मैंने लगा ली है और सभी पिंस को हटा के अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। दोनों साइडों से कटिंग करने के बाद तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा अपर पार्ट रेडी हो गया है फ्रंट साइड का। लॉन्ग अम्ब्रेला कुर्ती बनानी है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 6 मीटर फैब्रिक को 4 होल्ड में रख लिया है और इसकी जो विड्थ है वो भी 52 इंच है। इसमें से आसानी से अम्ब्रेला निकल जाएगा, इसमें कहीं भी हमें जॉइंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम चोली को मेजर करेंगे रख के और उसके बाद सर्कल में निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से इंच टेप को यहाँ रखते हुए हमने सर्कल में निशान लगा लिया है जहाँ पर भी हमारी चोली का साइज आया था। अब हम यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और 44 पर निशान लगाएंगे क्योंकि हम फुल लॉन्ग कुर्ती बना रहे हैं,
तो 44 पे इस तरीके से अम्ब्रेला शेप में हम निशान लगा लेंगे सर्कल में। तो हमने सर्कल में निशान लगाने के बाद अब पहले यहाँ से कटिंग करेंगे। यहाँ से होगी चोली अटैच, तो एक बार हम चोली को रख के देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल बराबर साइज है या नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर साइज है चोली के। अब नीचे वाले अम्ब्रेला की भी हमने कटिंग कर ली है, और यहाँ से ये देखिए बिल्कुल कोई जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बहुत अच्छी विड्थ हमारे कपड़े की। तो चलिए अब इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। कभी भी अम्ब्रेला की कटिंग करो तो इस तरीके से ज़रूर करना है, पहले एक बार हमने फोल्ड कर लिया, अब एक बार और फोल्ड करना है। तो ये देखिए एक बार और फोल्ड करके फिर दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर हमने दो बार अम्ब्रेला को फोल्ड कर लिया है। अब नीचे की साइड से मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए जितनी हमने लंबाई ली थी ना 44, उतने पे ही हमने मार्किंग कर ली है। अब नीचे की साइड देखना कपड़े को, जो हमारी सारी परतें हैं वो बिल्कुल बराबर नहीं है, ऊपर नीचे आई हुई हैं, अम्ब्रेला में हमेशा यही चीज़ होती है। तो बाद में इस तरीके से कटिंग ज़रूर करें, नहीं तो ऊँचे नीचे पार्ट हो जाएंगे आपके अम्ब्रेला की, अच्छी शेप नहीं आएगी नीचे से, बाद में ये वाली कटिंग ज़रूर करें। तो चलिए यहाँ से अब कपड़े को कट कर लेते हैं। 6 मीटर फैब्रिक में हमने अम्ब्रेला की कटिंग की है, और 1 मीटर फैब्रिक में हमने अपर पार्ट की और बाजू की कटिंग कर ली है। तो बहुत ही फ्रिल वाला हमारा गाउन बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बार पर्त को ओपन करते हुए दिखाऊंगी कितनी बार फोल्ड किया था। तो देखिए एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया, बाकी हमारा जैसे अम्ब्रेला शेप में रखा हुआ था उतना है। यहाँ से अब चोली को अटैच कर लेंगे, उससे पहले हम बैक साइड को रेडी करेंगे। पूरे पट्टी से नेक को बना लेंगे, बैक साइड को बिल्कुल सिंपल रखेंगे। नेक को बनाने के बाद डार्ट डाल लिया नीचे की साइड, और बैक साइड में हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को मिलाते हुए डार्ट डालनी है। तो ये डार्ट हमने डाल ली है बैक साइड में। अब यहाँ से हम अम्ब्रेला को अटैच कर लेंगे अपर पार्ट में। दोनों अपर पार्ट में हमने अम्ब्रेला को अटैच कर लिया है, ये फ्रंट है और ये हो गया बैक। अब ऊपर से शोल्डर की सिलाई को लगा लेंगे। तो चलिए शोल्डर की सिलाई को लगा लेते हैं पहले, उसके बाद डालेंगे फिटिंग। दोनों शोल्डर को मिलाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हमने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लिया है, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, और नीचे से हम सिलाई को इस तरीके से ले जाएंगे। पूरी कुर्ती कंप्लीट हो गई है, अब हमने नॉर्मल स्लीव्स का निशान लगा लिया है और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। सिंपल स्लीव्स की कटिंग कर ली है, और अब यहाँ से हम फ्रंट साइड को कट कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद बाजू को रेडी करेंगे। तो बाजू पर मैंने सिंपल एक लेस अटैच करके रेडी किया है, दोनों बाजुओं को अब अटैच कर लेंगे। दोनों बाजुओं को रेडी करने के बाद अब हम बनाएंगे इसकी बेल्ट, और नीचे की साइड से इस पर होगी पीको। तो पीको मशीन मेरे पास नहीं है, पीको मुझे बाहर से करानी है, और वीडियो मैं पहले ही डाल रही हूँ, तो मैंने नीचे से भी पीको नहीं कराई है। अब हमने लिया एक चौड़ी लैस, उसमें से मैंने दोनों साइडों से इस तरीके से कुछ लैस को कट कर लिया है, बीच बीच का पार्ट ले लिया है। लैस के बराबर लंबा और इससे 1 इंच चौड़ा हमने एक कपड़ा लिया है, उस कपड़े के ऊपर लैस को इस तरीके से मिला के रखेंगे, और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब इस कपड़े को हम लेस के बराबर कट कर लेंगे। तो दोनों साइडों से अगर एफ्रा कपड़ा है तो कट कर लेंगे, लेस के बराबर रखना है बस। अब इसे ऐसे ओपन करके रखेंगे, और फिर नीचे की साइड इस तरीके से ये कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। ऊपर की साइड बस हमारी लेस दिखाई देगी, कपड़ा नीचे की साइड रहेगा। हमारी लेस में यहाँ पर स्टोन है तो मैंने हटा लूँगी, नहीं तो ये निडल को ख़राब करेंगे। और अब लेंगे इस तरीके से लटकन वाली लेस, और इसे यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हमने ऊपर की साइड सिलाई लगाई है ना, बिल्कुल वहीं पे रखते हुए इस लेस को सिलाई लगा लेंगे। लेस के बिल्कुल किनारे से लेते हुए सिलाई को लगाएंगे। पूरे कपड़े पे सिलाई लगाने के बाद ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा, और लेस नीचे की साइड इस तरीके से आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे लटकन और बद्दी बना के रखे हुए हैं पहले ही, तो उन्हें इसमें अटैच करना है। तो ये देखिए पहले यहाँ से एक दो मोती हटा लेते हैं ताकि निडल ख़राब नहीं हो, और अब यहाँ पे डोरी को रखेंगे बिल्कुल सेंटर में,
और मैंने थोड़ी मोटी डोरी बनाई है ताकि ये बंधने में, बहुत पतला कपड़ा है, ख़राब नहीं हो फिर खींचने से, इसलिए थोड़ी मोटी डोरी बनाई है। और बिल्कुल सेंटर में रखते हुए ऊपर से लाइनिंग वाले कपड़े को ऐसे रखेंगे और यहाँ से इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे पलट के रखेंगे तो ये देखिए डोरी भी हमारी बिल्कुल अंदर की साइड हो जाएगी, बाहर की तरफ बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। और इसका कोना इस तरीके से निकाल लेंगे सीजर की हेल्प से। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड में भी डोरी को अटैच कर लेंगे। तो चलिए दूसरी साइड में भी अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसे रखेंगे और फिर इसके ऊपर लाइनिंग वाले कपड़े को पलट के रखेंगे। और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और जहाँ पे हमारी बद्दी है वहाँ से आगे पीछे लेके दो तीन सिलाई लगा लेंगे ताकि और अच्छे से मजबूत हो जाए। आप चाहो तो यहाँ से कोना कट कर लीजिए। कोना कट करने से क्या होगा, जो बेल्ट का कॉर्नर है वो बिल्कुल अच्छे से निकल के आएगा बाहर की तरफ। ये देखिए अभी यहाँ से सीजर की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, अच्छे से निकल गया है। अब नीचे वाले कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, जितना भी लेस से एक्स्ट्रा है उसे फोल्ड करेंगे और इस तरीके से लेस से मिलाते हुए रखेंगे। और फिर बिल्कुल यहाँ से लेस के ऊपर कॉर्नर से सिलाई लगानी है। इसी तरह से नीचे से कपड़े को फोल्ड करते हुए पूरी बेल्ट की सिलाई को लगा लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से हमारा बेल्ट बनके हो गया है रेडी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो ये देखिए बेल्ट की लंबाई दिखाती हूँ मैंने कितनी रखी है। बेल्ट की लंबाई हमें रखनी है अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। मैंने 19 इंच का बेल्ट रेडी किया है और बाकी इसमें बद्दी लगाई है। तो ये हमने फ्रंट साइड के लिए लिया है, बाकी बैक साइड में बद्दी आ जाएंगी। और ये देखिए बेल्ट का फाइनल लुक। इस कुर्ती में मैंने अभी पीको नहीं कराई तो उससे पहले ही मैंने वीडियो डाल दिया, इसलिए नीचे से इसका घेरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बिना पीको का घेरा अच्छा नहीं लगेगा। तो ऊपर से ही इसका नेक का लुक देख लीजिए, कुछ इस तरीके का लुक आया है नेक का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।